आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। एक ऐसी कहानी जो इंडियन नेवी की सच्ची कहानी है, अदम्य साहस से भरपूर है। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी बड़ी चुनौती आ जाए, आप उससे पार पा सकते हैं। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। साल था 1971, तब ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने कोहराम मचा रखा था। हत्याएं, बलात्कार, ऐसी बातें तो आम हो चुकी थी। कोई भी वहां सुरक्षित नहीं था। लाखों की संख्या में रेफ्यूजी इंडिया आ रहे थे और इस स्थिति में भारत ने फैसला लिया कि भारत बांग्लादेश को स्वतंत्र कराएगा। ये जो लड़ाई थी, ये जमीन पर लड़ी जा रही थी और पानी में भी लड़ी जा रही थी। जो अरब सागर था, वहां पाकिस्तान की जो नेवी थी उसकी स्थिति ठीक ठाक थी, इंडिया की तो बहुत ज्यादा मजबूत थी। बंगाल की जो खाड़ी थी, बे ऑफ बंगाल, वहां पर पाकिस्तान की जो नेवी थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी। और ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरान ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी सबसे बड़ी सबमरीन, जिसका नाम था गाजी, उसे भेजेंगे ईस्ट पाकिस्तान। और उसके लिए उस गाजी को अरब सागर का चक्कर लगाते हुए बे ऑफ बंगाल तक जाना था। रास्ता खतरे से खाली नहीं था क्योंकि बीच में थी इंडियन नेवी। ये मालूम था पाकिस्तान को कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रिस्क ली। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा था कि गाजी अगर विक्रांत पर हमला करती, INS विक्रांत पर, तो हमारी भी स्थिति डामाडोल हो जाती। लेकिन तब इंडियन नेवी ने वो कर दिखाया जिसको दुनिया सलाम करती है। तारीख थी 14 नवंबर 1971, जिस दिन पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा फैसला लेते हुए, अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए अपनी सबसे बड़ी सबमरीन गाजी को ईस्ट पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया। उनका एक ही टारगेट था कि जो इंडिया का INS विक्रांत था, जो कि देश का एकमात्र उस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसे खत्म कर दिया जाए। INS विक्रांत वो एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट किए हुआ था और भारत का मोराल बूस्ट कर रहा था। अगर INS विक्रांत को कुछ हो जाता तो इंडिया को, जो एक कह सकते हैं नैतिक भी हानि होती, एक तरीके से आर्थिक भी हानि होती, भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। भारतीय नेवी को कैसे मालूम चला कि गाजी वहां से रवाना हो चुकी है? तो कराची से जब गाजी रवाना हुई तो इन लोगों ने एक मैसेज भेजा ईस्ट पाकिस्तान में, चिटगांव में, और वहां की नेवी को मैसेज दिया कि एक स्पेशल ऑयल की रिक्वायरमेंट, एक लुब्रिकेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि सबमरीन और माइन स्वीपर में इस्तेमाल होता था। ये मैसेज इंडियन नेवी ने पकड़ लिया और इन्हें समझ में आ गया कि एक स्पेशल लुब्रिकेंट की तलाश जो है ये लोग कर रहे हैं, और वो इस्तेमाल होता था सिर्फ और सिर्फ गाजी के लिए। इन्हें समझ में आ चुका था कि गाजी रवाना हो चुकी है और अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है INS विक्रांत को बचाना है। वहां से शुरू होता है भारतीय नेवी का प्लान। सबसे पहले इंडियन नेवी ने काम किया, INS विक्रांत को अंडमान सागर में भेज दिया गया। ये बे ऑफ बंगाल से थोड़ा नीचे का इलाका है। इसके बदले INS राजपूत को विशाखापट्टनम में भेजा गया। INS राजपूत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ चुका था, पुराना हो चुका था, डीकमिशन होने वाला था, यानी कि पुर्जे उसके खोल के अलग करने वाले थे या फिर उसे म्यूजियम में रखने का प्लान था। तो प्लान ये बनाया गया कि INS राजपूत जो है वो विशाखापट्टनम के पास में रहेगा और इस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके सिग्नल भेजेगा कि वहां पर INS विक्रांत खड़ा हुआ है। यही मैसेजेस भेजने की जो प्लानिंग थी वो इंडियन नेवी की काम आई। इतने ज्यादा संदेश भेजे गए कि गाजी को लगा, उस सबमरीन को लगा, उसमें बैठे हुए 92 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको ये लगा, पाकिस्तान नेवी के जो लोग थे उन्हें लगा कि ये INS विक्रांत जो है ये विशाखापट्टनम में है। और एक तो ऐसा सीक्रेट मैसेज लीक कर दिया गया जिसमें यही पता चल रहा था कि लोकेशन क्या है। 27 नवंबर को गाजी जो है विशाखापट्टनम पहुंच जाता है, माइंस बिछाता है और विक्रांत को खोजने के लिए अंदर ही अंदर आगे बढ़ने लगता है। जो लगातार मैसेजेस सिग्नल्स लीक हो रहे थे उससे जो गाजी में बैठे हुए 92 लोग थे पाकिस्तानी, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। अब तारीख आती है 4 दिसंबर 1971 की। इंडिया पाकिस्तान का वॉर अपने चरम पर था। ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरान चाह रहे थे कि जल्द से जल्द गाजी जो है INS विक्रांत को खत्म करते हुए पहुंच जाए बे ऑफ बंगाल होते हुए ईस्ट पाकिस्तान और इंडियन नेवी पर सबसे बड़ा अटैक कर दे। लेकिन वो INS विक्रांत को ढूंढ नहीं पा रहे थे, इतने सारे सिग्नल्स मिल रहे थे जैसा मैंने बताया कि कंफ्यूज होने लगे थे। वो माइंस बिछा चुके थे, आगे निकल चुके थे, लेकिन इतने सारे सिग्नल्स के कंफ्यूजन में वापस आते हैं उसी रास्ते पर जहां माइंस बिछा करके निकले थे। 4 दिसंबर की रात को INS राजपूत को सिग्नल मिलता है, उसमें जो कैप्टन थे इंदर सिंह साहब वो ये डिसाइड करते हैं कि भैया ये जो सिग्नल आए ये गाजी के अलावा किसी और का हो नहीं सकता है। इसी थॉट के साथ में वो अपने साथियों को ये ऑर्डर करते हैं कि आप 2 फायर कीजिए। पानी के अंदर 2 फायर किए जाते हैं, 1 मिनट के अंदर जो है बड़ा ब्लास्ट होता है और गाजी जो है वो नेस्तनाबूत हो जाता है। ये इंडियन नेवी अपनी तरफ से कहती है कि इस तरीके से हमने गाजी को खत्म कर दिया,
उसे खत्म कर दिया जो INS विक्रांत को मिटाने के लिए कराची से रवाना हुई थी। अगर उस वक्त INS विक्रांत को गाजी खत्म कर देती, ध्वस्त कर देती, तो शायद ईस्ट पाकिस्तान को जो आजाद कराने का सपना भारत ने, एक जिम्मा भारत ने उठा लिया था, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। सबसे बड़ी प्रशंसा की जानी चाहिए INS राजपूत पर, जो भारतीय नेवी के योद्धा सवार थे उनकी। इंडियन नेवी के अदम्य साहस को, उस प्लानिंग को आज मैं सलाम करता हूं। और ये जो गाजी अटैक की कहानी है, ये हम सब लोगों को भी रियल लाइफ में मोटिवेशन देती है, इंस्पिरेशन देती है, लर्निंग देती है कि लाइफ में चाहे जितना बड़ा चैलेंज आ जाए, अगर आप सही तरीके से प्लान करते हैं, अगर आप साहस का परिचय देते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, डरते नहीं हैं, तो आप कितना भी बड़ा आपके सामने हमला हो, कितना भी बड़ी चुनौती हो, आप उस चुनौती को हरा करके आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज हालांकि और इस कहानी से निकल के आती है, वो ये है कि युद्ध जो है वो इंसान को कई बार अंधा कर देता है, वो नफरत जो है कई बार अंधा कर देती है। वरना पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी सबमरीन को क्यों रवाना करता? उसे मालूम था कि रास्ता इतनी मुश्किल भरा है, जाना नामुमकिन होगा। वो अपने 92 साथियों को वहां से भेज देता है उस नफरत के चक्कर में कि जाइए और सब कुछ अपना दांव पर लगा दीजिए। इस दुनिया में शांति ही एकमात्र आधार है जीवन जीने का, वो भी इस पूरे घटनाक्रम से सीखने को मिलता है। इंडियन नेवी को सलाम, इंडियन नेवी को प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सीखते चलिए हमारी नेवी से, हमारी फोर्सेस से, डिसिप्लिन क्या होता है, पैशन क्या होता है, देश के लिए प्रेम क्या होता है। और देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं RJ कार्तिक एक्स्ट्रा, जहां एक नया चैनल अदर देन मोटिवेशन शुरू किया है, आपका इंतजार रहेगा।